समांतर सत्ता चालवणाऱ्या आरएसएसला संविधानात कसं घ्याल? आधी काँग्रेसने हे सांगावं आणि मग आमच्याशी समजोत्याचं बोलावं असं आव्हान भारी बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलंय. पिंपरी चिंचवडमध्ये आयोजित वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेत ते बोलत होते. प्रियंका गांधीत इंदिरा गांधी दिसते, मग प्रकाश आंबेडकरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का दिसत नाहीत? असा प्रश्न औरंगाबादचे एमआयएम आमदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला. की काँग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने जा रही है. उस दिन जब चर्चा हुई टेलीविजन डिबेट के दौरान तो कांग्रेसियों ने ये कहा कि हम प्रियंका के अंदर इंदिरा गांधी को देखते हैं. मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्या तुमको बाड़ा साहेब के अंदर बाबा साहब कभी नजर नहीं आया? अगर प्रियंका के अंदर तुम्हें इंदिरा नजर आती है तो एक बात समझ लो, बाड़ा साहेब उसी बाबा साहब का खून है और तुम्हें बाड़ा साहब के अंदर बाबा साहब नजर आना चाहिए. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वक्तव्यानंतर पोलिसांनी भाजपवाल्यांना सुरक्षा द्यावा, कारण त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नाचा भंग केलाय, तेव्हा जनता काय करेल ह्याचा नेम नाही, असा इशाराही जलील यांनी दिला. दोस्तों, आज एक और एक खबर पढ़ने को मिली और ये बड़ी चिंता करने वाली खबर है. भाजपा के केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साहब ने कहा, इशारों इशारों में अपने प्रधानमंत्री को टोला लगाया और ये कहा कि लोगों को सपने दिखाओ मत और अगर दिखा दिए तो वो सपने पूरे करो और अगर नहीं करे तो पब्लिक रोड के ऊपर धुलाई करेगी. ये हमने कहा? हमने नहीं कहा. किसने कहा? इशारा किसकी तरफ था? हम पुलिस वालों से अनुरोध करेंगे, भाजपा वालों को संरक्षण दो, पब्लिक का कुछ पता नहीं है. सपने बहुत दिखाए थे, बहुत सपने दिखाए थे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किए? क्या किए? तो सिर्फ विदेश विदेश.